हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेम इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यूनिट 2 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कंपेरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए स्टूडेंट, जो कंपैरिजन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का एंड मैग्नेटिक फील्ड का, जिसको हम डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी बोल सकते हैं, एग्जाम्स के अंदर 2, 3, इवन 4 मार्क्स में भी ये पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप इसमें क्या लिख के आएंगे? टेबुलर फॉर्म में इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को, और क्या क्या इसमें पॉइंट्स होंगे आइए वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस साइड आप लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इस साइड आप लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है दोनों के डिफरेंस में? पहला पॉइंट ये होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा कंजर्वेटिव होता है। फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे ये एक कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड। इसका ऑपोजिट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या होते हैं, इसके लिए हम किसी और दिन पूरी डिटेल में वीडियो बनाएंगे। अभी आप सिर्फ ये याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होता है। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म क्लोज पाथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी क्लोज पाथ फॉर्म नहीं करती, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स करती हैं। सेकेंड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज फॉर्म क्लोज पाथ। तो ये सेकेंड डिफरेंस हो गया। थर्ड पॉइंट, सिंपलेस्ट सोर्स इज अ पॉइंट चार्ज। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करवाना है, तो सबसे सिंपलेस्ट वे है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करवाने का, कि आप पॉइंट चार्ज ले लीजिए, चाहे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो चाहे नेगेटिव पॉइंट चार्ज हो, दोनों केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखने को मिलेंगी। हाँ, ये होगा कि पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी, और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो अंदर की तरफ आएंगी। तो थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के थर्ड पॉइंट में ये लिखेंगे कि क्योंकि मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो कभी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाना है, तो आपको कम से कम पेयर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स चाहिए होंगे, मीन्स कम से कम आपको मैग्नेटिक डायपोल की जरूरत तो पड़ेगी, जिसमें एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा। सिंपलेस्ट सोर्स इज मैग्नेटिक डायपोल, तो थर्ड डिफरेंस ये हो गया हमारा। फोर्थ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में क्या लिखेंगे कि जो लाइन इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का ओवर ए क्लोज पाथ, वो हमेशा जीरो होता है। तो लाइन इंटीग्रल के लिए आप यहाँ पर एल लगाएंगे और ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर लिखेंगे, क्लोज पाथ की बात हो रही है तो यहाँ पर सर्कल लगा देंगे इंटीग्रेशन के ऊपर, ये हमेशा जीरो होता है। जबकि एम्पियर सर्कुलर लॉ हमें क्या कहता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओवर अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट पासिंग थ्रू दैट लूप। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो लाइन इंटीग्रल होगा बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह जीरो नहीं होगा, बल्कि किसके बराबर होगा, म्यू नॉट टाइम्स करंट पासिंग थ्रू द क्लोज लूप के बराबर होगा। फिफ्थ पॉइंट, कर्ल ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, और कर्ल का मतलब होता है डेल क्रॉस। डेल एक ऑपरेटर है, आई कर्ली बाय कर्ली एक्स प्लस जे कर्ली बाय कर्ली वाई प्लस के कर्ली बाय कर्ली जेड। तो कर्ल अगर आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो जीरो निकल के आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को ई रोटेशनल बोला जाता है। जिस भी वेक्टर फील्ड का कर्ल जीरो निकल के आता है, उसको ई रोटेशनल वेक्टर फील्ड बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर ई वेक्टर का कर्ल जीरो है, इसलिए ई वेक्टर को भी ई रोटेशनल फील्ड बोला जाता है। तो अगर आपको एग्जाम में आता है कि वाई ई वेक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज अ ई रोटेशनल, क्योंकि इसका कर्ल जीरो होता है, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं। जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल होता है वो म्यू नॉट टाइम्स करंट डेंसिटी होता है, मीन्स कर्ल ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट जे वेक्टर। यहाँ पर कर्ल की जगह आप डेल क्रॉस लिखेंगे, तो यहाँ पर कर्ल लिख दिया आपने, तो यहाँ पर आप डेल क्रॉस लिख सकते हैं, क्योंकि कर्ल का मतलब होता है डेल क्रॉस। बी वेक्टर जो होगा म्यू नॉट टाइम जे वेक्टर होगा, जे वेक्टर यहाँ पर करंट डेंसिटी है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आगे से। लास्ट डिफरेंस में आप क्या लिखेंगे, जो डाइवर्जेंस होता है ई वेक्टर का, वो रो बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप रो बाय एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। तो ये है हमारी एक मैक्सवेल इक्वेशन भी है, ये मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है। एक्चुअली मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म में क्या कहती है कि डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। रो है यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और एप्सिलॉन नॉट है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जबकि डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर जो है वो जीरो होता है, मीन्स जितना मैग्नेटिक फ्लक्स एंटर करता है किसी सरफेस में,
उतना ही वो लीव कर जाता है, सरफेस अपने पास कुछ भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो रिटेन नहीं करता, इसलिए इसका डायवर्जन जीरो होता है। और जिस भी वेक्टर फील्ड का डायवर्जन जीरो होता है उस वेक्टर फील्ड को हम सोलेनोइडल फील्ड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बी वेक्टर का डायवर्जन जीरो है इसलिए हम बी वेक्टर को बोलेंगे सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड। ये मीन्स सोलेनोइडल इन नेचर का होता है। तो अगर अभी 6 पॉइंट्स लेकर आते हैं तो चाहे 2 मार्क्स का है, चाहे 3 का है, चाहे 4 का है, आपको 100% पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।